सिर की बनावट से जानिए क्या आप बन सकते हैं धनवान। जय श्री राम दोस्तों, आधुनिक मनी मंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से ज्योतिषी सिर देखकर भविष्यवाणी करते हैं। आखिर सिर से वो कैसे जान लेते हैं सभी बातें? दरअसल हर व्यक्ति के हाव भाव और शारीरिक बनावट एक दूसरे से अलग होती है। इन अंतरों पर गौर करने पर आप खुद भी जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है। यहाँ हम सिर की बनावट की बात कर रहे हैं, जिनसे आप लोगों के स्वभाव, गुण और उनकी आर्थिक स्थिति जान सकते हैं। नंबर एक, बड़ा सिर होने पर मिलता है ये परिणाम। जिस व्यक्ति का सिर बहुत बड़ा होता है, उनमें जल्दी निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति सामान्य बुद्धि के होते हैं और अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए आर्थिक मामलों में इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर दो, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली और बुद्धिमान होते हैं। जिन लोगों का सिर छोटा और सिर पर भंवर होता है, वो सुखी जीवन जीने वाले होते हैं, लेकिन इनके जीवन का सुख लंबे समय तक कायम नहीं रह पाता है। जिनके सिर पर चंद्रमा का चिन्ह होता है, वो भाग्यशाली और बुद्धिमान होते हैं। नंबर तीन, इनके जीवन में आर्थिक परेशानियां आती रहती हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार सिर का छोटा और अंदर की ओर धसा होना शुभ नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का सहयोग नहीं मिलता है। इनके जीवन में बार बार आर्थिक परेशानियां आती रहती हैं। नंबर चार, ऐसे सिर वाले होते हैं धनवान और सुखी। जिस व्यक्ति का सिर धनुषाकार होता है, वो बहुत ही भाग्यवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपनी मेहनत और प्रयास से बढ़कर सफलता मिलती है। ये अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें लोगों से आदर और सम्मान भी खूब मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने सिर की बनावट के आधार पर बताने का प्रयास किया कि आप धनवान होंगे या नहीं। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।